हाय, मैं हूँ रेखा कक्कड़ और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही कुरकुरे और स्वादिष्ट चीज पोटैटो बाइट्स। आपने चीज पोटैटो बाइट्स मार्केट में तो खाए होंगे, लेकिन आप इसे घर में भी आसानी के साथ बना सकते हैं और चाय के साथ नाश्ते के रूप में सर्व कर सकते हैं। इसे एज ए पार्टी स्टार्टर आप सर्व कर सकते हैं और बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी आप इसे पैक कर सकते हैं। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप उनके टिफिन बॉक्स में पैक करेंगे तो यकीनन उनका टिफिन बॉक्स खाली आएगा। लेकिन इससे पहले कि आज की रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो बनाते हैं मजेदार और क्रिस्पी चीज पोटैटो बाइट्स। तो चीज पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए हम ले लेंगे बॉइल्ड पोटैटोस। मैंने यहाँ 3 पोटैटो लिए हैं, इनको हम मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैश पोटैटो की सब्जी पड़ी है या मैश पोटैटोस पड़े हैं तो आप एज इट इज उनको यूज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि इनमें लम्ब्स ना रहें। तो पोटैटोस को जो हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया, इसमें हम डाल देंगे उबले हुए मटर, उबले हुए भुट्टे के दाने या मक्की के दाने, ग्रेटेड चीज, यहाँ पर मैंने चेडर चीज यूज की है, थोड़े से अखरोट कटे हुए। अखरोट से काफी टेस्टी भी हो जाता है ये, इसमें हेल्दी फैक्टर भी ऐड हो जाता है, सो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, सब्जियां नट्स सब इसमें चले जाते हैं। इसमें डाल देंगे फ्लेवर करने के लिए थोड़े से ग्रीन चिली सॉस और कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला पार्सली, आप फ्रेश या ड्राई दोनों यूज कर सकते हैं। नमक डाल के हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो बना लेंगे। तो ये हमारा डो जो है तैयार है। इसके हम छोटे छोटे हिस्से लेंगे। इस डो से करीबन 12 से 13 आपकी चीज पोटैटो बाइट्स बन जाएंगी। और जो डो है इसको फ्लैटन करेंगे हथेली में। इसके बीच में हम डाल देंगे मोजरेला चीज के क्यूब्स और इसको वापस हम रैप कर देंगे। जब आप इसे डीप फ्राई करते हैं या आप इसे एयर फ्राई करते हैं, ये मोजरेला चीज के क्यूब्स जो है बहुत अच्छा टेस्ट करेंगे। सेम तरीके से हम सारे जो पोटैटो बाइट्स है अपने तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम एक बोल में डाल लेंगे मैदा, थोड़ा सा नमक, मिक्स्ड हर्ब, काली मिर्च का पाउडर और इससे हम पानी डालकर एक थिन जो है बैटर इसका रेडी कर लेंगे। इसमें मैंने हर्ब्स एंड स्पाइसेस इसलिए डाले हैं ताकि जो बैटर है ये भी हमारा फीका ना रहे, इसमें भी काफी फ्लेवर आ जाता है। और अब इसके साथ हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। मैंने यहाँ पर पैनको ब्रेड क्रम्स यूज किए हैं। आप रेगुलर ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पैंको से काफी अच्छा टेक्सचर आता है, ये आपको सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो अब चीज पोटैटो बाइट्स जो हैं हमारे, इसको हम पहले मैदा के बैटर में डिप करेंगे या फ्लोर के बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद हम इनको ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से रोल कर देंगे। इसी तरह से हम सारे चीज पोटैटो बाइट्स रेडी कर लेंगे। इनको हम साइड में रखते हैं और एक जो कढ़ाई है या डीप पैन लेकर उसमें हम ऑयल अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें दो दो तीन तीन करके बैचेस में हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट आपको डीप फ्राई करना है। अगर आप चाहें डीप फ्राई नहीं करना चाहते, एयर फ्रायर में बनाना चाहते हैं, तो आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो हमारे चीज़ पोटैटो बाइट्स जो हैं रेडी हैं। इसको हम एक किचन नैपकिन पर ड्रेन कर लेंगे, निकाल लेंगे उसमें से कढ़ाई में से। इसी तरीके से हम सारे जो बाइट्स हैं उनको डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और सर्व करने के लिए अब ये बिल्कुल तैयार हैं। इनको निकालते हैं एक प्लेट में किचन नैपकिन के ऊपर ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए इनका। अब इनको सर्व करते हैं एक प्लेट में टमाटो केचप के साथ और गर्मा गर्म चाय के साथ। ये हमारे चीज पोटैटो बाइट्स रेडी हैं। आई एम श्योर आपको आप अगर इन्हें ट्राई करेंगे तो ये मार्केट से आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। मेल्टी चीज़ बहुत ही टेस्टी लगती है इसमें और बच्चों को तो ये खास तौर से बहुत पसंद आती है। हमारे घर में तो बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। आप उन्हें ये चीज़ पोटैटो बाइट्स टिफिन बॉक्स में पैक करके देंगे तो यकीनन उनका टिफिन बॉक्स जो है खाली होकर आएगा। अगर आप इस चीज़ पोटैटो बाइट्स की रेसिपी को ट्राई करते हैं तो हमेशा की तरह लाइक कर सकते हैं। अपने फीडबैक आप मुझे कॉमेंट्स करके भेज सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए Happy cooking!